दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो युक्ति पब्लिकेशन आपके लाया है बेहतरीन बुक्स। ये सभी बुक्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं, कीमत बहुत कम है और इस समय ऑफर चल रहा है, एक बुक के साथ एक बुक बिल्कुल फ्री। ये सभी पीडीएफ बुक्स हैं, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एक बार ज़रूर चेक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी इनसाइट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में और जो उत्तर प्रदेश में भर्तियां आनी है, शिक्षक भर्तियां, उनका क्या स्टेटस है, कितने कितने पद हैं। आप लोग जानते हैं कि यूपी में शिक्षक भर्ती काफ़ी दिन से नहीं है, ये खासकर टीजीटी पीजीटी में 2016 में भर्ती आई थी, उसके बाद भर्ती नहीं आई। तो इस समय दोस्तों यहाँ पर गुड न्यूज एक ये है, इसमें पदों की संख्या 16,000 से बढ़ा करके 18,000 कर दी गई है। वैसे देखा जाए तो पद दोस्तों यहाँ पर लगभग 40,000 थे, लेकिन आप लोग जानते हैं सरकार ने इसका टास्क फोर्स से वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद 16,000 के आसपास पद थे। सरकार ने इसके लिए हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, तो 16,000 पदों की बात कही थी, लेकिन इस समय दोस्तों पद बढ़कर के 18,000 हो गए हैं और शासन ने इसका अधियाचन भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया है। लेकिन दोस्तों शासन की ओर से ये सिग्नल दिया गया कि ये सभी भर्तियां अभी फ़िलहाल नहीं निकालना है, ये सभी भर्ती निकालने के लिए नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होना है। चाहे आप टीजीटी पीजीटी भर्ती ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, या फिर ले लीजिए आप लोग सुपर टेट भर्ती जो जूनियर में 4500 पद, ये सभी भर्तियां जो नए शिक्षा सेवा आयोग से आएंगी। इसी चक्कर में दोस्तों ये सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियां फंसी हुई हैं। और दोस्तों आप लोग ये कह सकते हैं कि आयोग के पास एक बहाना मिल गया है अब कि कोरोना के कारण ये सब काम अभी फिलहाल होना पॉसिबल नहीं है, एक बहाना ही है और कुछ नहीं है। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्तियों का क्या हाल रहता है, कितनी यहाँ की लचर व्यवस्था है, इस कारण यहाँ पर कोई भी काम समय से नहीं हो पाया है। और अब तो खैर देश में महामारी की स्थिति है, फिलहाल अब तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो यही आज के प्रमुख समाचार पत्रों में यहाँ पर न्यूज आई हुई है कि आयोग के इंतजार में अटकी हजारों भर्तियाँ। मार्च के अंतिम सप्ताह तक होना था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन, कोरोना के कारण अटकी प्रक्रिया। आप लोग जानते हैं नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के लिए जो नियमावली है वो बन चुकी है और 1 मार्च 2020 से नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होना था, लेकिन दोस्तों 1 मार्च क्या आज 24 मार्च है और कुछ भी अभी तक इसकी प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई है। सरकार का कहना है कि गठन की प्रक्रिया चल रही है, आयोग की नियमावली, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में अभी समय लगेगा, जल्द से जल्द आयोग के गठन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल समय सीमा नहीं बता सकते हैं। ये कहना है मोनिका सहगल गर्ग का, प्रमुख सचिव हैं उच्च शिक्षा विभाग में। दोस्तों शासन की तरफ से तो ये तो हमेशा कहा जाता है कि तैयारियां चल रही हैं, किस प्रकार से तैयारियां चलती हैं कुछ कहा नहीं जा सकता इसको लेकर के। ये समझ लीजिए कि भर्तियां आनी है, अब कब तक आनी है ये इसके बारे में भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद ही ये भर्तियाँ आएंगी। तो दोस्तों यही एक छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल एबी इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सभी प्रकार की भर्तियों की, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब एवं अन्य जो खबरें होती हैं सभी के बारे में पूरी अपडेट देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।